मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न कांड में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की राजदार और मिस्ट्री वुमन मधु के पति ने एक बड़ा खुलासा किया है। मधु कुमारी के पति चांद ने कहा है कि मधु से उसने लव मैरिज की थी, लेकिन 13 साल से उसका उससे कोई रिश्ता नहीं है। उसने पहले ही उसे छोड़ दिया था, जिसके बाद से वो ब्रजेश के साथ मुजफ्फरपुर में रह रही थी। इसके साथ ही मधु के पति ने कहा कि मधु उसके नशे और ब्रजेश ठाकुर से नजदीकी के कारण दूर हो गई थी। मधु से संपर्क तो हमारे बचपन से है, हम लोग शादी किए हैं, लव मैरिज, और हम लोग 4-5 साल अच्छे से थे, और हम भी काम किए इसमें, और हम काम करके मतलब यानी कि काम छोड़ भी दिए, और वो काम रेगुलर में हम नशा के हालत में काम नहीं कर रहे थे, इसी कारण हम काम में रिजाइन किए। तो आपके साथ वो अलग क्यों हुई, क्या बोली आपको अलग होने से पहले, आखिर कारण क्या बताएंगे? नशा के लिए, नशा जब मैं छोड़ गया तो साथ नहीं रहे। कुछ झगड़ा उगड़ा भी हुआ था किस चीज को लेकर के, क्या उन्होंने किया था झगड़ा होने के बाद? झगड़ा होने पर क्या आने की, गुस्सा गुस्सी हुआ और क्या। आप कह रहे थे कि कुछ मैं उन्होंने पी लिया था, दवा यानी खालिज था, और जहर खालिज था, और डूबने चली गई थी, 3 बार मतलब मरने के मुकाम पर चली गई थी। अच्छा, ये मानते हैं कि ब्रजेश जी के आने पर, मैंने मधु जी के जिंदगी में ब्रजेश ठाकुर के आने के बाद से आपका अलग होना शुरू हो गया? हाँ। क्या कहेंगे, मैंने कैसे, क्या होता था कि क्यों ब्रजेश जी के आने के बाद आपसे अलग हो गई मधु? सही बात है कि हम उसे खर्चा पानी नहीं देंगे, तो उसको अपना रिस्पॉन्स चाहिए ना, अपना बच्चा, उसका बच्चा है, उसका मतलब माँ है, उसका मतलब उसका फैमिली है, तो बिना आने के खाले कोई आदमी रह सकता है? अच्छा, आज अगर मधु आ जाए और आपसे सहायता मांगे, कानूनी सहायता करने के लिए, पैसे से सहायता करने के लिए, तो आप तैयार हो जाएंगे? हाँ, तैयार हो जाएंगे, इसलिए तैयार हो जाएंगे कि मतलब बेटी के लेकर तैयार हो जाएंगे। आप लोग की बेटी भी है? हाँ, मेरी बेटी एक है। पहला सलाह क्या देंगे मधु को, ब्रजेश जी से अलग होने का कि उनको क्या करने का? नहीं, पहले सलाह देंगे कि सच है कि ये झूठ है। अच्छा, ये बात सच है ये झूठ है, वो तो हस्बैंड वाइफ की बात है, वो तो क्लियर कर करेगी, और उसके बाद इसका निर्णय लेंगे क्या करना होगा आगे। अच्छा, मधु जी के साथ गलत हुआ है क्या आपके हिसाब से? आप दिमाग में सोचते होंगे मधु गलत थी क्या पहले से? नहीं, गलत तो कभी नहीं थी, मतलब यानी कि कभी हम बोले नहीं आपको कि हम अगर शादी में अटेंड कर रहे थे तो मतलब उसको बोलते थे शादी में जाने के लिए, तो शादी में यानी जारी नहीं थी, क्या कि उसको भी बार अच्छा नहीं लगता था। तो मधु, निश्चित रूप से आप भी मानते हैं, सब कोई जानता है, अगल बगल के लोग भी कह रहे हैं कि जब से मधु जी ब्रजेश ठाकुर के संपर्क में आई तब से आपका उनका अलग होना शुरू हो गया। जब से यानी कि संस्था खुला ना, तब से मतलब यानी कि कोई भी आदमी अपने यानी कि तबियत खराब रहता है तो इसमें ब्रजेश ठाकुर का कितना योगदान आप मानते हैं? 90% है उन्हीं का हाथ ही है। बता दें कि देश में चर्चित रेड लाइट एरिया मुंबई के कामांठीपुरा, कोलकाता के सोनागाछी और दिल्ली के जीबी रोड से मधु के तार जुड़े रहे। बालिका गृह यौन हिंसा मामले में मधु का नाम आने के बाद रेड लाइट एरिया के चौक चौराहों पर इसकी चर्चा है। पुलिस प्रशासन के लोग इस इलाके में चौकसी रखे हैं। मधु और उसके सहयोगी की कुंडली तैयार की जा रही है, कभी भी उसके सहयोगियों से पूछताछ हो सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।